तोहफा लाए अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ एक सयाह मौजूद है जो बीस के ताल्लुक कराची से है। नबतर में आकर ये क्या महसूस कर रहा है यहाँ की रहन सहन और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, इस वजह से इससे थोड़ा सा हम गपशप करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई जान, आपने हमारे लिए टाइम दिया। आपकी तरफ कराची से? जी मैं कराची से आया हूँ और हम हर साल आते हैं। लाइक हम पिछले 20 सालों से ट्रैवल कर रहे हैं और हमें खासकर गिलगित बल्तिस्तान और प्लस ये आपका जो इलाका है ये बहुत खूबसूरत है। नलतर हम बहुत पहले आए थे लेकिन इस दफ़ा मैं काफ़ी दिनों बाद नलतर आया हूँ। बट आई रियली फाउंड दिस एरिया वेरी डेवलप्ड नाउ, लाइक द ग्रीनरी इज मच बेटर। व्हेन आई केम इट वाज नॉट दिस मच ग्रीन, बट दिस टाइम आई फाउंड इट मच ग्रीनर। एट द सेम टाइम पीपल्स हॉस्पिटैलिटी इज ऑलवेज यू नो रिमार्कबल। लाइक हमने हमेशा यहाँ पे जब भी इधर हम आए तो लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया, हर तरह से ख्याल रखा है हमारा। और इस दफ़ा हम लोग पहले गिलगित आए हैं, उसके बाद फिर हम हुंजा गए और फिर हुंजा से फिर इस तरफ आए हैं नलतर की तरफ। इससे आज से तकरीबन 2 साल पहले हम लोग बीच नलतर में आके वापस चले गए बिकॉज जो गाड़ी हमारे पास थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो एक मेरा ख्याल कार थी, वो सेडान कार थी, तो वो हम सेंटर तक आए फिर हम वापस चले गए। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द रोड्स आर ऑल बिल्ट अप एंड दे आर वेरी स्मूथ एंड इट डिड नॉट टेक अस लॉन्ग। आई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अस? ओनली वन एंड अ हाफ आवर। It just one and a half hour we reached here. So it is really great, fantastic. And it's also very good to have you here. Thank you very much. Nice meeting you all. We enjoyed there your local cultural dance also. अच्छा शायद हमने नहीं देखा होगा। ये कौन सी जगह है? ये सतरंगी लेक है। दारेल वेली। वो कहाँ पे? जगह ज़्यादा खूबसूरत। वो लग रही है खूबसूरत, देखने पे ही लग रही है, बहुत प्यारी जगह लग रही है। प्यारी जगह है ना? And क्या नाम है इसका? यहाँ आ सक हाँ क्यों नहीं, हाँ कोशिश करेंगे, अगर हमें टाइम हुआ तो ज़रूर जाएंगे। अच्छा भी हमारा चैनल है, उसको सारे करो, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री। अच्छा उसमें आप ये मेरा इंटरव्यू ज़रूर डालिएगा। वालेकुम अस्सलाम। आपका एक हमने थोड़ा सा क्लिप सुना था यहाँ पर, आपने सुरेली आवाज़ में गाना गाया था और ये जगह की खूबसूरती के लिए आप अपनी शेर व शायरी तो शायद थोड़ी है, एक गज़ल है मेरी लेकिन वो जो है वो थोड़ी सी गमगीन है, थोड़ी सी इस तरह से है कि उसमें यह है कि अगर उर्दू अच्छी समझ आती है आप लोगों को ना तो आप इजीली समझ जाएंगे उसे। हम गिला कैसे करें, उनसे मिला कैसे करें, अपने एहसासों मतालिब को बयां कैसे करें, हैं मकी इस अर्ज़ के और देखते ख्वाबे फलक, हैं मकी इस अर्ज़ के और देखते ख्वाबे फलक, अपनी खातिर इस ज़मीं को आसमां कैसे करें। वाह वाह क्या बात है। हो खिजा ही छाई जब्बर गुलशन अफकार मन, इसमें थोड़ा सा फारसी का टच है। हो खिजा ही छाई जब्बर गुलशन अफकार मन, ऐसे में हम जिंदगी को गुलसिता कैसे करें। आखिरी शेर इसका यह है कि चलना है जब जाने पे मंजिल अकेले ही हमें, चलना है जब जाने पे मंजिल अकेले ही हमें, अपने इस तनहा सफर को कारवां कैसे करें। अच्छा ये पाकिस्तान की खूबसूरती पर ऐसे कोई एक फीमेल ने गाया हुआ सॉन्ग है और एक बहुत मशहूर मूवी थी रोजा इंडियन, तो वो इसकी बहुत प्रॉपर डिपिक्शन करती है, बिल्कुल इसी तरह का लैंडस्केप उसमें दिखाया और वहाँ पर ये सॉन्ग जो है वो पिक्चराइज हुआ था उस तरह से। वो ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे जाने जा, इस तरह से है कुछ सुनाऊँ मैं? जी आप इन्हें मशहूर कर देंगे तो हम इसके फिर हम पैसे लेंगे ये वायरल हो जाएगी वीडियो आपकी, पहले वीडियो आपकी वायरल हो जाएगी, पहले वीडियो क्वालिटी की फिर आप नरमे पेमेंट करनी पड़ेगी। ये हसी वादियां ये खुला आसमां, आ गए हम कहां है मेरे जाने जा, इन पहाड़ों में दिल की कली खिल गई, जब से तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। बस इतना ही आता है मुझे, इतना ही आता है गाना, लेकिन ये गाना बहुत अप्रोप्रिएटली फिट होता है क्योंकि इसी तरह के लैंडस्केप में पिक्चराइज किया है। दूर दूर का बोला था तो गजल वो सुना दो दोबारा हमारे सलीम भाई के नाम कर दे। अच्छा
वही बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।